सासुमा इनसे बोलो ना कि मुझे भी बना बनी सिखाए, फिर मैं भी ढोलक बजा के गाऊंगी। अभी नहीं आनंदी, जब घर की औरतें गाएंगी ना मैं खुद तुझे सिखा दूंगी। इनसे कहेगी तो दादी सब बहुत गुस्सा करेंगी, चल मेरे साथ। अरे जब फूलदान भी सड़क पे क्यों रख दिया, वहां जाके रख वहां। हाँ संभाल के बिल्कुल। मासा, हाँ अगर जनवासा पंचायत भवन में बनवाना है तो फिर उसकी दीवारें पुतवानी पड़ेंगी, बहुत खराब हो गई हैं। हाँ तो ठीक है, 5-6 मजदूरों को लगवा देना काम पे। हाँ। अजय भैरों कहाँ है? मासा, वो रसोई का भुगतान तो मैंने कर दिया है। ठीक है कर दिया ना, अब ये बता कि थारे समझी कब पधार रहे हैं और गहना के माँ बापू कब आवेंगे जे लोग, हैं? जब विदाई हो जावेगी तब पधारेंगे के? नहीं मासा मेरी बात हो गई है, आते होंगे। हाँ और आनंदी के माँ बापू भी गणेश पूजन से पहले तो आ ही जाएंगे। वो तो आवेंगे ही, कल्याणी देवी की पोती का गौना है, उनका ही मान सम्मान बढ़ेगा बिरादरी में, मारा क्या है। भाई साहब हाँ। पंडाल वाले से बात कर। हाँ, चलो। अरे लोग आइयो, अरे खान पान हो गया तो अभी गाना बजाना शुरू कर दो जल्दी जल्दी, जोश में आके चलो। बाबू आनंदी के बापू, लाड़ो के सहस्त्र में देने के लिए जे खबर ठीक तो लागे ना। क्या मालूम भागो, ऐसे महंगे कपड़े कभी खरीदे हो पहने हो तो जानकारी होवे। भला हो सरपंच जी और उनकी घरवाली का, उन्होंने जो कुछ दिलवाया मैंने तो आंख बंद करके हाँ कह दी बस। चले ये कंगन है सुगुणा के लिए, संभाल के रख ले। चोखे है हल्के तो ना लगे, धनसा जैसे जेवर पहने उनके सामने तो ये जो। ये तू कह रही, पहले तो बोली थी समधी साने मना किया कुछ भी लाने के लिए, जो हमारे बस का वही करेंगे, पर अब तू ही हल्के भारी के चक्कर में पड़ रही। जानू भागो, हमारी जितनी हैसियत है उससे कहीं ज्यादा किया है हमने, उनके सामने तो सब कुछ छोटा ही लगने वाला है। जमीन की धूल कितनी भी ऊंची उड़ ले चांद सितारे तक ना पहुंच सके। चल अब तू चिंता ना कर और जल्दी से सामान डाल, देर ना हो जाए। चल आनंदी, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है ना गहना। आनंदी किसी काम को इतनी जतन के साथ करे और वो अच्छा ना हो। क्या हुआ गहना? जीजी थोड़ी कमजोरी सी लग रही है। हे भगवान तेरा शरीर तो बिल्कुल ठंडा है। जल्दी से जाकर पानी और कुछ मीठा ले आओ। जी जी मीठा खाने का मन नहीं कर रहा है। मीठा खाएगी तो ताकत आएगी उसे। जा आनंदी और ये सब काम छोड़ आराम कर दो। जी जी मैं ठीक हूँ। लग रही है ठीक, रंग पीला पड़ गया है तेरा, जा आराम कर। ये सब तो चलता ही रहेगा जी जी। मासा को उनकी बेटी की औलाद देने का वचन दिया है मैंने। ये सब पीड़ाएं तो सहनी होगी। पीड़ा सहने के लिए शरीर में शक्ति भी तो होनी चाहिए ना। माना तू सारा दर्द सह लेगी, लेकिन उस नन्ही सी जान के बारे में तो सोच जो तेरे अंदर पल रही है। उसे भी तो बढ़ने के लिए आहार और अच्छी देखभाल की जरूरत है। तू मुझे एक बात बता कहना, सिर्फ मासा को दिए हुए वचन के कारण तो इस बच्चे को जन्म दे रही है?
तेरा कोई लगाव नहीं इस बच्चे से। लगाव कैसे नहीं है जीजी, मेरे शरीर का हिस्सा है वो। अपनी हर सांस के साथ उसकी सांसों को महसूस कर सकती हूँ मैं। और कुछ समय बाद उसकी हलचल भी महसूस करेगी तू। कहना, औरत का जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, पर यह अनुभव, एक जीवन को जन्म देने का अनुभव, ये सिर्फ उसे ही होता है। ईश्वर का वरदान है ये, जो उसने सिर्फ हम औरतों को दिया है। अच्छा सुन, जब भी जी घबराए या तबीयत ठीक ना लगे, गहरी सांस लेकर ध्यान किया कर, या मन ही मन मंत्र जाप कर लिया कर। तनाव दूर हो जाएगा और तुझे हल्का भी लगेगा। ताईसा के माँ बापू आए हैं। कहना, तू जाकर अपने माँ बापू से मिल, मैं पानी लेकर आती हूँ। तू चल मेरे साथ। जेलो 1000 रुपये हैं, आपस में बांट लो। और सुनो, घर जाकर लंबी ताड़ के सो मत जाना सबकी सब। हाँ, शाम को गणेश पूजन से पहले ही आ जाना वापस, समझ गई ना? जाओ अब। मैं ठीक हूँ, तू कैसी है और तेरी तबीयत कैसी है? देख रही थी। अब मारो परिवार भरो पूरो ला गया। अरे, मारी भींदनी के माँ बापू भी तो मारे ही परिवार के सदस्य हो है। जी तेरा सदा सुहागन रहे। आ गए आप लोग सब, बड़ी खुशी हुई। आइए ना, बैठिए ना सब। अरे भैरों, थके मांदे आए सब, बैठने को ना बोल। भींदनी, थारे कमरे की बगल में वो मेहमानों वाला कमरा है ना, अपने माँ बापू बहनों को वहीं जाके ठहरा दे, आराम कर लेंगे ना थोड़ा। जी। आपके ठहरने का इंतजाम भी करना है भैरो? कष्ट मत कीजिए माजी सा। अब जैतसर में फूली के बापू भी हैं, हमारी उनसे बात हो गई है, तो मैं और आनंदी की माँ उधर ही ठहर जाएंगे रात को। वैसे भी बेटी के सासरे में रुकना ठीक ना है। अरे भाया, ये भी कोई बात हुई भला है? बेटी का सासरा है, तुम्हारी पोती का गोणा भी तो है। गोणे के काम में ही हाथ बटाने आए हो आप दोनों, है ना? फिर तो यहीं ठहरना पड़ेगा। पर माजी साहब वो ना, ना ना ना, मैं एक भी बात ना सुनने वाली बस। हाँ माँ बापू, अब यहीं रुक जाओ ना। अरे छोरी, चिंता ना कर, कहीं ना जा रहे थारे माँ बापू। हाँ, जहीं रहेंगे। सुन, ओ ओ दूरे बाड़ा मैं मानो बाड़ा कमरा है ना, वहीं ले जा अपने माँ बापू को। चलो माँ। हाथ मुँह धो के विश्राम कर लो आप दोनों, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना।
और हाँ समझी सा नरम गद्दों पे नींद ना आवे तो वो भी बोल देना, नौकर से कह के चटाइयां डलवा दूंगी। आदत ना आया ना आपको, इसलिए बोलू हूँ। छोरी ले जाना अपने माँ बापू को। चलो सुमित्रा तू जरा साथ चली जा, देख ले सब ठीक ठाक है ना। माँ आप थोड़ा पहले क्यों नहीं आए, कितना मजा आया, घर में सुबह से गाना बजाना हो रहा है। पता है मैंने तो सासू माँ को कह दिया कि मुझे भी बनना बनी सीखना है, उन्होंने कहा कि मैं तुझे सिखाऊंगी। माँ यही रुकना हा? मुझे आपको कुछ दिखाना है, मैं अभी आई। आनंदी के बापू हाँ? हम छोरी वाले हैं, ऐसे छोरी के सासरे में रहना ठीक ना लगे मारे को। मन तुम्हारा भी नहीं था भागो, तभी तो फूली के बापू से बात की थी मैंने। मासा का हुकुम टालना भी तो ठीक बात ना है। ऐसे अच्छा ही हुआ, इस तरह लाड़ो के साथ रहने मिल जाएगा। वो भी है। माँ ये देखो दादी सा ने मुझे कितने सारे जेवर दिए, उन्होंने कहा कि सुगना जी के गोड़े में इसे ही पहनना। हाँ लाड़ो ये तो बहुत सुंदर है, बहुत भाग वाली है तू, खुश रह लाड़ो। अच्छा इसे संभाल के रखते हैं, तारी दादी सा ने दिया है ना, और सुन पहनते वक्त भी संभाल के पहनना, बहुत महंगे हैं। हाँ चल, तारी सासू माँ कहाँ है, रसोई में? हाँ मैं जाके हाथ बटाऊँ। हाँ हाँ समधन सा मारे को भी कोई काम बोलो, ऐसे ही बैठने ना आई मैं। तो ऐसा करो समधन सा बेसन भून दो, लड्डू बनाने हैं। बेसन के लड्डू मैं भी बनाऊंगी। आ जा लड़ो। माँ आप बस देखना मैं ही बनाऊंगी, हाँ सब ठीक से हो रहा है कि नहीं। बस बस लड़ो के करे संभाल के, पानी ना है देसी घी है ना बिंदुनी और डाल। अरे इतने से घी में क्या होवेगा। अरे सुमित्रा अपनी रसोई में काम करवाने से पहले घर के खान पान की जानकारी तो दे दे अपनी समधन को। बात जे है समधन सा के हमारे घर में रोज के खाने में ही जब तक घी कटोरी में तैरता नजर ना आवे ना कोई खाने की तरफ देखे भी ना, और फिर जे तो गौने की बात हुई है कि ना, तो हाथ बटाने से पहले हमारी बींदनी से सीख लेना कि किस चीज में कितना घी पड़े और कितना मेवा। अब तक ना गई, अरे खड़ी खड़ी बातें ही सुनती रहेगी तो मेहमानों को ठंडी चाय मिलेगी। खड़ी कमा। अरे घनश्याम अरे तू गोदाम को छोड़कर जहाँ हवेली में क्या कर रहा है? जी माजी साहब वो छोटे कुंवर साहब से कुछ काम था। खैरों से? जी खड़ी कमा। उससे तो मुलाकात नहीं हो सकती इस वक्त, क्या काम था?
जी वो उन्होंने मुझे बिलारिया भेजा था और कहा था बिलारिया जी। जी घर में नहीं है क्या छोटे कंवर साहब? अरे थारे छोटे कंवर साहब की छोरी का गौना है तो घर में बैठे रहेंगे क्या? अरे मारे को बताना क्या बात है जी वो अरे बोल ना जल्दी से, बहुत काम पड़ा है, जल्दी बोल क्या काम है। जी वो कुछ कुछ देना था। देना था? क्या देना था? क्या ये? ये अरे बोल ना क्या है ये? अरे इतने से कागज के पीछे इतना बखत खराब किया सबका, दे मारे। छोटे कंवर साहब मिल जाते तो। अरे थोड़े छोटे कंवर साहब की माँ हूँ मैं। 30,000 रुपए दिए हैं मासा। 30,000? 50 पहले दे चुका था, कुल मिलाकर 80,000 की रकम दे चुका है अभी तक। इतनी बड़ी रकम दे दी और किसी को बताया भी नहीं मत। खजान सिंह के जमीन के कागज थारे पास कैसे आए भैरों? मासा वो खजान सिंह जी को इन कागजों पर कचहरी की मोहर लग रही है। तो समदन जी की तबीयत ठीक नहीं है तो उनका जाना तो मुश्किल, तो मैंने कहा कि आप मुझे दे दीजिए, मैं तो अपने काम से कचहरी जाऊंगा ही, तो मैं लगवा दूंगा मोहर, इसलिए मैं ये कागज ले आया। कैसी विडंबना है कि समाज में अपनी नाक ऊंची रखने के नाम पर अपना सर्वस्व लुटा दिया जाता है।